नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको दांतों को सफ़ेद करने का घरेलू नुस्खा बताने जा रही हूँ, जिससे आपके दांत सफ़ेद हो जाएंगे। दोस्तों, सफ़ेद दांत पाने के लिए वो लोग क्या कुछ नहीं करते जिनके दांत पीले हैं, या वो लोग जो अपने दांतों को और भी ज़्यादा सफ़ेद बनाना चाहते हैं। लेकिन कम ज्ञान होने के कारण हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और आपको कभी भी घरेलू उपाय नहीं बताते, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से आप उनके पास दोबारा नहीं जाओगे, और अगर ऐसा हुआ तो डॉक्टर की दुकान को तो ताला लग जाएगा। इसलिए डॉक्टर पैसा कमाने के लिए कभी भी किसी को घरेलू नुस्खे नहीं बताते। आज हम आपको 100 साल पुराना एक ऐसा नुस्खा बताने जा रहे हैं जिसके इस्तेमाल से आप दांत कुछ ही मिनटों में साफ़ हो जाते हैं और सफ़ेद हो जाते हैं, और इसके इस्तेमाल से आपको कोई नुकसान भी नहीं होता, क्योंकि ये नुस्खा आयुर्वेदिक है और इसका इस्तेमाल करने से आपको फ़ायदा होता है। दांत सफ़ेद हो जाते हैं और दांत में लगा कीड़ा भी खत्म होने लगता है। दोस्तों, इस नुस्खे को बनाने के लिए जो आवश्यक सामग्री चाहिए वह कुछ इस प्रकार है। आधा चम्मच मीठा सोडा, आधे चम्मच में थोड़ा कम नींबू का रस। हमने इन दोनों को आपस में अच्छे से मिला लेना है। आपका घरेलू नुस्खा बनकर तैयार है। इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको दांत चमकने लगते हैं और दांत में पीलापन भी खत्म हो जाता है। तो चलिए अब जानते हैं हमने इसका इस्तेमाल कैसे करना है। इसका इस्तेमाल करने के लिए आप इस पेस्ट को ब्रश के ऊपर लगाकर अपने दांतों को अच्छे से मस लें, जैसे आप ब्रश करते समय करते हैं। ऐसा करना हर रोज 2 मिनट करने से आपके दांत सफ़ेद मोती की तरह चमकने लगेंगे। धन्यवाद। आपको हमारी जानकारी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।